आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम, और आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं आपका वॉलेट हमेशा पैसों से भरा रहे? और अगर आंसर यस है तो इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक, मैं इसमें वो सारे सीक्रेट्स कवर करने वाला हूं। इसके बाद आपका वॉलेट हमेशा भरा रहेगा, आपके अकाउंट में पैसे भरे रहेंगे। मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए और बेल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स में जितना स्प्रेड करोगे उतना तेजी से वो चीजें आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होंगी। प्रिंसिपल नंबर टू, गिव व्हाट यू वांट। जो आप चाहते हैं वो यूनिवर्स में आपको देना पड़ेगा। अगर आप प्यार चाहते हैं तो आपको प्यार देना पड़ेगा, अगर आप खुशी चाहते हैं तो खुशी देना पड़ेगी, और इसी तरह से अगर आप पैसा चाहते हैं तो आपको पैसा यूनिवर्स में देना पड़ेगा, चैरिटी करना पड़ेगी, और वो फिर मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आएगा। ये बात 2013 की है। मेरा एक फ्रेंड था अमित मिश्रा करके, और उसने मुझे कॉल किया, और मैं उस टाइम पर दिल्ली में था, मेरा एक बिजनेस चल रहा था डिस्टेंस एजुकेशन का, और ये बिजनेस शाजिया खान मेरी एग्जीक्यूटिव थी वो संभालती थी, और मैं दिल्ली में था, किसी फ्रेंड की शादी में गया था मैं। मुझे कॉल आया अमित मिश्रा का, बोलता है कि सलमान भाई अपने पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और मैं आपको पार्टनरशिप का ऑफर दे रहा हूँ और मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए। तो मैंने कहा कब चाहिए? बोला मुझे 19 तारीख को चाहिए, और ये बात हो रही थी हमारी कुछ 12 की डेट की हमारी बात हो रही थी। मैंने बोला 19 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं दिल्ली से निकल रहा हूँ 22 तारीख को। बोला कुछ नहीं कर सकते सलमान भाई, तुमको कैसा भी करके आना पड़ेगा, और मेरे को तुमसे ये उम्मीद है कि आप दोगे और मिलके हम लोग कुछ कर सकते हैं, आप खाली इन्वेस्टमेंट करो, बाकी जो रिटर्न आएगा हम लोग प्रॉफिट 50-50 शेयर कर लेंगे। अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया थी लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। मैं दिल्ली से मैंने मुंबई में कॉल किया शादी को, और शादी को बात किया मैंने, शादी अकाउंट में कितने पैसे हैं? शादी ने मुझे बताया सर अकाउंट में सिर्फ 35,000 रुपीज है और कुछ नहीं है। मैंने कहीं से कोई आने की उम्मीद है? बोले नहीं उम्मीद है। मतलब फिर क्या करना चाहिए? 19 को मुझे पैसा देना है, 22 को मेरी फ्लाइट है। मैंने वापस को कॉल किया, यार अमित एक काम करता हूँ, मेरा 22 का फ्लाइट है, मैं रीशेड्यूल करता हूँ, मैं आ जाता हूँ 16 तारीख को आ जाता हूँ मैं। और मैंने फ्लाइट का टिकट रीशेड्यूल किया, 16 तारीख को मुंबई में आया, इवनिंग में पहुंचा, 17 तारीख को मैं ऑफिस चला गया, और मेरे वॉलेट में जो भी पैसे थे 100 रुपीज 50 रुपीज और 10-20 जितने भी पैसे थे सारे पैसे देखे मैंने। मैं शादी के पास गया, मैंने शादी का अमाउंट आया, बोली नहीं है 35,000 नहीं है, कुछ आने की उम्मीद है? बोली नहीं उम्मीद है। बोला नहीं शादी पैसे आएंगे, तुम फॉलोअप करो, जो भी लिस्ट थी हमारी फॉलोअप करो, पैसे आएंगे। और मैं निकल गया अपने ऑफिस, थाना स्टेशन पर मैं अपने ऑफिस उतरा, नीचे गया, थाना स्टेशन के पास एक सर्कल है जहां पर बहुत सारे लोग, जरूरतमंद लोग पैसे के लिए खड़े रहते हैं। मैंने मेरा पूरा वॉलेट खाली कर दिया, 50 रुपए 10 रुपए 20 रुपए जो भी थे कॉइंस भी थे वो सब कुछ एमडी कर दिया, सारा पैसा मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पूरा पैसा मैंने यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और फिर मैं चला गया मैकडॉनल्ड में, थाना स्टेशन के पास एक मैकडी है वहां चला गया, मैंने मेरा एक्सिस का कार्ड स्वैप किया और बर्गर लिया, कोक लिया, और मैं खाने बैठ गया, कुछ मेल्स वगैरह देखने लगा। यहां पर मैंने कुछ 45-50 मिनट स्पेंड किए, और बाद में जब मैं ऑफिस आया करीब 1.5 घंटे बाद मैं ऑफिस आया, और ऑफिस आने के बाद मुझे शादिया बोलती है सर हमारा एक क्लाइंट था जिसको हम बहुत टाइम से फॉलोअप कर रहे थे, इसको तो मैंने अभी फॉलोअप लिस्ट में भी नहीं था, ये पता नहीं कहां से अपने आप आया और उसने भी हमको 2.5 लाख रुपए दिया है। दिस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो दोगे वो रिवर्स में आएगा, लेकिन आप दे किस भावना से रहे हो? आप दे रहे हो और आपका शक्ल रोगी, अरे यार मैंने इसको पैसे दे दिए मैं क्या करूंगा यार, अरे सब दे दिए, तो बहुत ज्यादा नहीं दे, ज्यादा दे दी शायद मैंने। लेकिन आप दो खुले दिल से, अगर आप रो रहे हो तो मत दो, लेकिन दो कुछ इस तरह से दो यार कोई बात नहीं पैसा आएगा, अच्छा है इसकी हेल्प कर दी, आप प्राउड फील करो, आपको अच्छा लगना चाहिए वो टाइम पे। और मुझे वही लग रहा था, मैंने पूरे पैसे दे दिया, मेरे दिमाग में ये भी ख्याल नहीं आया कि मैं घर पे कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। मैं मैगडी में चला गया, मैं खाने बैठ गया, ऑटोमेटिक यूनिवर्स ने कहां से कहां सिग्नल भेजा और वो बंदा आया मेरे ऑफिस में, 2.5 लाख रुपए उसने कैश दिया, पैसा आया मेरे। मैंने इमीडिएट कॉल किया, भाई आपको 25 को 19 को चाहिए था, आप अभी आ जाओ, पेमेंट है आप आ जाओ। और वहां से मेरे पास एक नई अपॉर्चुनिटी हुई, और उसके बाद से मैं उसके साथ एक स्लीपिंग पार्टनर काम कर रहा हूं और काफी पैसा हमने बनाया बिजनेस में। तो आपको जो चाहिए वो देना पड़ेगा। आप रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए, उसके बाद वेटर को या बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है उसको आप क्या दे रहे हो? आपको देना चाहिए, क्योंकि आप दोगे यूनिवर्स रिवर्स होकर आपको देगा। अगर आप ट्रेनर हो मेरी तरह तो आपको पेड प्रोग्राम अटेंड करना होगा, ना कि अठन्नी चवन्नी वाले फ्री प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो, लिख रहे हो और चले आ रहे हो, आपको पेड प्रोग्राम अटेंड करना होंगे। मैं आज मेरी कंपनी यहाँ पे आ चुकी है, आज मेरे पास 20 लोगों की फुल टाइम टीम है, उसके बाद भी मैं एवरी ईयर पेड सेशंस अटेंड करता हूँ। आपको भी अटेंड करना पड़ेंगे, आपको भी यूनिवर्स में देना पड़ेगा। जो चीज चाहते हो
वो आपको यूनिवर्स में देना पड़ेगी, वो चीज मल्टीप्लाई होकर आएगी। तो देना सबसे बड़ा सिद्धांत है। फॉर फ्री बिजनेस टिप्स मैं चाहता हूँ, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट ज़्यादा ज़्यादा कीजिए, ताकि आप इससे कनेक्ट रहें और आपको फ्री टिप्स मिलते रहें मेरे प्रोग्राम्स के, और जिसकी वजह से आपके बिजनेस में ग्रोथ आना शुरू हो जाए 10-30%, 30-80%। तो कनेक्ट रहिए मेरे पेज से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।